सरकार की ओर से पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएफआई के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पीएफआई और उनके साथ साथ 6 और उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के संदर्भ में अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये नोटिफिकेशन राज्यों को भी अधिकारिता देता है, राज्यों में इसकी कार्रवाई करनी है। इसकी कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हम लोग करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज है उसमें घुसकर वहां पर अंधेरेस निर्माण करना, वहां पर डॉक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है। विशेष रूप से पिछले समय महाराष्ट्र में जो त्रिपुरा में घटना ही नहीं घटी उसके विजुअल्स तैयार करके मानो त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई जा रही है, ऐसे गलत विजुअल्स डालकर महाराष्ट्र में भी इन्होंने दहशतगर्दी करने का प्रयास किया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया, कई प्रकार के गैरकानूनी धंधों में भी इनका हाथ है। और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिटलिस्ट पर रखे जा रहे थे। तो ऐसी कई चीजें इसमें है। विशेष रूप से इन्होंने फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की है, छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। ऐसी कई चीजें बाहर आई है, तो ये सारी चीजों के ऊपर अब आने वाले दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे।